वेलकम टू हरीन के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीन के संग। नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जितने भी नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जी। अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें अदा की हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आज मैं आपको कीनियों के छिलकों में जो छुपा राज है, जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकता है, और आपके जितने पांच बड़े मसाइल हैं उनका हल आपको बताऊंगी। और सिर्फ ये कीनू के छिलके में पाया जा रहा है। कीनू के छिलके में विटामिन सी भरपूर खजाना मौजूद है। इसके अलावा इसके छिलकों में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, फोलिक एसिड, पॉलीफेनॉल और फाइबर मौजूद होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप पांच तरीक़ों से, पांच जो मसाइल हैं उसको कीनू के छिलकों से जो है इन मसलों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले कीनू के छिलकों का कहवा। कीनू के छिलके उतार कर इसको खुश कर लें और इनको पानी में उबाल कर कुछ देर पकाएं। जब कहवा बन जाए तो इसे आप पी लें। छिलकों की ये चाय बिल्कुल अफादियत में किसी तरह फल से कम नहीं होगी, बल्कि विटामिन से भरपूर है। इस चाय को पीने से हाजमा बेहतर होने के साथ साथ रंग साफ और जल्द भी चमकदार महसूस होने लगती है। इसके अलावा चेहरे पर उपटन की तरह मलें इसके छिलकों को। छिलकों को सुखा कर ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें, या फिर सुखाए बगैर ही ग्राइंड किया जा सकता है इसको। आप जब चाहें इस पाउडर में शहद मिला लें, या फिर एक जिल्द अगर आपकी खुश्क है तो दूध, वरना सिर्फ पानी या हल्के गुलाब मिलाकर जिल्द पर हल्के हाथों से मलें, इसका मसाज करें। इससे चेहरे के जितने भी कील मुहासे होंगे या एक्नी होगी उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अभी सीज़न है इसका, आप इसको ग्राइंड करके रख लें और गर्मियों के लिए भी ये महफूज हो जाएगा। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन से बचाव का भी इसमें हल मौजूद है। कीनू के छिलकों को पानी में उबाल कर नहाने के पानी में मिला लें और इससे नहाएं तो ना सिर्फ जिस्म से खुशबू आने लगेगी बल्कि मुख्तलिफ अलर्जीज जो हैं वो इन्फेक्शन ख़त्म करने में भी आपको ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा दांत अगर आपके मतलब के पीले पड़ गए हैं तो दांतों को चमकाने का भी इसमें हल मौजूद है। कीनू के छिलकों के पाउडर बनाकर इसे दांतों पर टूथपेस्ट में मिलाकर या फिर ऐसे ही इसको मलें तो पीले दांत सफ़ेदी इख्तियार करने लगते हैं और मुंह की बदबू भी इससे कम हो जाती है। आखिरी ये है कि आप इसको नाइट क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कीनू के छिलकों को सुखाकर इसमें आप चंद कतरे लाइम या नींबू के डालें, यानी कि लेमन जूस लें, उसको इसमें ऐड करें और थोड़ा सा संदल का पाउडर मिलाकर चेहरे पर इसकी लेप कर लें। सुबह उठे ही उसको ताज़े पानी से अपने चेहरे को धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको चेहरे की रंगत में वाजिया फ़र्क महसूस होगा। जितने भी डार्क धब्बे होंगे चेहरे पर, जितने भी कील मुहासों के निशान छोड़ दिए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।